कॉन्सेप्ट है, इसको आप विश्वास मानिए, आपका जीवन बदल के रख देगा। पहला कि आस्क, दूसरा बिलीव और तीसरा रिसीव। ये बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। आस्क मतलब क्या होता है कि आप जो चाहते हैं वो क्लियरली मांगिए कि हमको क्या चाहिए। हमारे पास दो माइंड होता है, एक कॉन्शियस होता है और एक सबकॉन्शियस होता है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, एक कॉन्शियस होता है और एक सबकॉन्शियस होता है। ये सबकॉन्शियस ब्रेन कैसे काम करता है मैं बताता हूं आपको। जैसे आपने एक गार्डन देखा है, तो जो गार्डन है उसमें बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। कहीं आप देखेंगे कि आम का पेड़ लगा हुआ है, कहीं बबूल का पेड़ लगा हुआ है, कहीं फूल लगा हुआ है, कहीं कुछ लगा हुआ है, कहीं कुछ लगा हुआ है, ठीक। और जिस समय वो पेड़ नहीं लगा हुआ था उस समय वो क्या होगा, समतल भूमि होगा, वो फर्टाइल जो है मिट्टी होगा। उस समय जो हम बीज बो रहे हैं उसमें, ठीक है, जिस चीज का बीज बो रहे हैं और हम चाहेंगे कि अभी उसका रिजल्ट आ जाए तो वो संभव है नहीं। मुझे याद है बचपन में एक बार बताया गया था कि ये बीज बो देंगे ना तो इसमें से पेड़ निकलेगा और पेड़ से फल निकलेगा। मैं बहुत छोटा हुआ करता था, ये टीचर बताए थे हमको, लेकिन वो हमको समझाया नहीं था कि टाइम लगता है इसमें, तो टाइम लगता है ये बात हमको पता नहीं था। तो हम घर में आए और एक बीज को, एक जो आम का बीज होता है ये होता है, उसको हम बो दिए और उसको पानी देने लगे। हमको ये बिल्कुल जो है हमारा ये घटना है, तो मतलब पानी लेकर के आते थे फिर डाल देते थे, फिर लेकर के वो घटना हम आज तक नहीं बोले, फिर डाल देते थे फिर डाल, और फिर देखे निकल ही नहीं रहा, निकल ही नहीं, बहुत परेशान हो गए। तो वहाँ क्या था कि जहाँ से पानी लेने जा रहे थे तो वहाँ एक व्यक्ति स्नान कर रहा था, तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, बार बार क्या है जग में पानी लेकर के जाता है। तो पूछा क्या करता है पानी लेकर के, पर तभी से मैं डाल रहा हूँ, ये निकल ही नहीं रहा है, निकल ही नहीं रहा है, तो मैं तभी से पानी डाल रहा हूँ, ना पेड़ आ रहा है, ना फल आ रहा है, ना कुछ आ रहा है। और कुछ हमारा 4 साल रहा हो, 3 से 4 साल रहा हो समय, तो घटना हम आज तक नहीं भूले हैं। वो हमारे लिए भी लागू होता है भाई, वो हमारे लिए क्या लागू होता है कि हम सोचते हैं ना कि हम, यहाँ से कहा जाता है कि आप पॉजिटिव थिंकिंग सोचिए, अपने जीवन में पॉजिटिविटी को लाइए, पॉजिटिविटी इन कीजिए और नेगेटिविटी आउट कीजिए। तो हम कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि आज पॉजिटिविटी सोचे, कल हमारा रिजल्ट नहीं आया, कैसे काम चलेगा, तो ऐसा नहीं होता है। इसको समझने की जरूरत है कि जो हम बात करते हैं कि हमारे जीवन में वो सकारात्मकता आनी चाहिए तो इसका रिजल्ट आता है, वो कुछ ऐसा ही है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बिल्कुल फर्टाइल है। उसमें हम जो बोएंगे, जो भी बोएंगे, वही एक दिन आउटपुट आने वाला है। अगर हम आम बोएंगे तो आम ही आएगा, बबूल बोएंगे तो बबूल ही आएगा, पॉजिटिव बोएंगे तो पॉजिटिव ही मिलेगा जीवन में, निगेटिव बोएंगे तो निगेटिव ही मिलेगा। जो मांगेंगे वो मिलेगा हमारे जीवन में, इस विश्वास को मानिए आप। और अब ये बहुत बहुत समझने की बात है कि जो पहली बात मैंने आपसे कही कि आस्क, कि आप अपने आप पे पहले क्लियर तो हो जाइए कि हमको जीवन में चाहिए क्या। जनरली क्या होता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को मिक्स्ड रिएक्शन होता है, वो कंफ्यूज रहता है। आप कंफ्यूज हैं तो वो भी कंफ्यूज है, उसको पता ही नहीं चल पा रहा है कि ये व्यक्ति चाह क्या रहा है जीवन में, ये चाह क्या रहा है कि हमको क्या चाहिए जीवन में। आप आए हैं आईएएस का तैयारी करने के लिए यहां, और आपके मन में जो है 50 तरीके का सवाल दिन भर में आता है। आपको लगता है कहीं गलत चीज तो नहीं डिसाइड कर रही, आपको लगता है कि अरे ये तो बहुत टफ है, ये तो हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, आप अपने जीवन में खुद ही क्लियर नहीं, बिल्कुल द्वंद में है, फंसे हुए हैं। प्रत्येक दिन आपके अंदर इतना सारा विचार आता है कि वो सबकॉन्शियस माइंड आपका बिल्कुल कंफ्यूज है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि ये व्यक्ति को चाहिए क्या जीवन में। ये आज जो है आम का पेड़ लगा दिया, कल वो उखाड़ के फेंक दिया, आज बबूल का पेड़ लगा दिया, वो उखाड़ के फेंक दिया कुछ और लगा दिया, वो उखाड़ के फेंक दिया कुछ और लगा दिया, और ये खोज रहा है कि वो पेड़ नहीं निकला, वो पेड़ नहीं निकला, वो पेड़ नहीं निकला। ये बहुत स्पष्ट है कि अपने जीवन में आप जो करना चाहते हैं वो पहले तो बाउंड्री लाइन आप मार्क कीजिए कि हमको जीवन में क्या चाहिए। आप अपने आप से पहले क्लियर हो गए, अगर आप मानते हैं उसके बाद इमीडिएट आता है बिलीफ। विवेकानंद क्या कहते थे कि अगर मैं आज के रिलीजन की बात करूं तो नास्तिक व्यक्ति वो है, नास्तिक व्यक्ति वो नहीं है जो भगवान को नहीं मानता है, नास्तिक व्यक्ति वो है जो जिसको अपने आप पे विश्वास नहीं। अगर आपको खुद पे विश्वास नहीं है तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते।
आप सबसे बड़े नास्तिक हैं कि आपको अपने आप पे विश्वास नहीं है, आपको खुद पे विश्वास नहीं है, आप सबसे बड़े नास्तिक हैं। तो मैं जो आपसे बात कर रहा था कि मैं अपने आप में क्लियर नहीं, और हमारा जो आत्मविश्वास है वो प्रत्येक दिन टूटता है, प्रत्येक दिन। अगर आपको कोई आकर के, आपका रूम पार्टनर आके बोल दे आप किस चीज का तैयारी कर रहे हैं, तो बोले कि हम तो आईएएस का तैयारी कर रहे हैं। बोले क्या तुम तैयारी कर रहे हैं, 5 साल से मैं तैयारी, कुछ हो पाया? आपका आत्मविश्वास जवाब दे दिया कि नहीं हो पाएगा। आप कंफ्यूज मत होइए, आपको अगर लगता है कि हम नहीं कर सकते हैं तो आप बिल्कुल ठीक है, आप नहीं कर सकते। ये क्या हो रहा है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बोता हुआ चला जा रहा है। आप जो जीवन में इच्छा करते हैं, जो चाहते हैं, वो आपको बहुत स्पष्ट होना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए कि हमको क्या क्या चाहिए हमको। इसलिए कहते हैं कि आप निगेटिविटी से बचिए, यही कारण है, सबसे बड़ा कारण है कि आप निगेटिविटी से बचिए। आप जीवन में जो भी चाहते हैं, वो कहते हैं ना कि आपके अंदर वो सारा खजाना मौजूद है, आप जो चाहेंगे वो प्राप्त कर सकते हैं। जो पहला सेंटेंस मैंने आपसे कहा था कि किसी के दामन फूल हो, किसी के दामन काटे कोई कारण होगा, यही कारण है उसका, यही कारण है उसका कि आज हम अगर गरीबी में जी रहे हैं तो इसका कारण हम खुद हैं, इसका कारण हम खुद हैं कि हम इससे अपने ऊपर को निकाल नहीं पा रहे हैं। और हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में ही लिखा है, हमारे किस्मत में ही भगवान ने ये लिख दिया, तो हम क्या करें। आपने मैक्सिमम टाइम ये सुना होगा लोगों से कि हमारा जीवन ही बेकार है, हमारा भाग्य ही खराब है। अगर आपका चिंतन ऐसा है कि हमारा भाग्य ही खराब है, आप बिल्कुल सही हैं कि आपका भाग्य खराब है, इसमें कहीं कोई डाउट ही नहीं है कि आपका भाग्य खराब नहीं है, बिल्कुल सही है, आपका भाग्य खराब है, आपकी किस्मत खराब है, आपका कभी कुछ नहीं हो सकता। अगर आप जानते हैं, आप बहुत क्लियर हैं कि वो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमको रोक सकती है। विवेकानंद ने कहा था ना, आप पढ़िएगा उनका साहित्य तो उसमें आपको मिलेगा, वो लिखे होंगे कि आपके आत्मविश्वास इस लेवल का होना चाहिए, इस लेवल का होना चाहिए कि आपकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल होनी चाहिए कि अगर आपके मन में ऐसा लगे कि इस समुद्र को मैं पी जाऊंगा, इस ये हमारी इच्छा शक्ति से जो है ये हिमालय टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, उस लेवल का इच्छा शक्ति की जरूरत है भाई, आप कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि बहुत सारे भाई प्रिपरेशन करते हैं, और प्रिपरेशन ही नहीं करते हैं वो आईएएस के नाम पे जो है एक मतलब इसको अंधविश्वास ही कहते हैं, वो रूम बंद कर लेंगे पूरे 24 घंटे जो है पागल की तरह उसमें बंद रहेगा, दाढ़ी बढ़ा लेंगे इतना लंबा लंबा, कोई बात करेंगे तो पागल की तरह आपसे बिहेव करेंगे, और उनको लगता है हम आईएएस का तैयारी करते हैं। और हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे भाई हैं जो दोनों काम किए हैं, जो समाज का भी काम किए हैं और आज उस मुकाम पर भी पहुंचे। आज हमारे पीयूष जी जो है इंटरव्यू देकर के आए हैं आईएएस का, आप शेयर करेंगे आपसे एक्सपीरियंस हो, और बहुत अच्छा गया है, भगवान की इच्छा रही तो उनका बहुत अच्छा रैंक भी आ सकता है। और आपने देखा होगा कि जब हम लोगों का युवा अभ्युदय प्रोग्राम हुआ था तो 24 आवर उन्होंने मेहनत किया था उसमें, 24 आवर उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई साहब हमारा जो है घाटा हो जाएगा, चाहे हमारा इंटरव्यू खराब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, नियमित, क्योंकि उनका मैनेज था, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपसे शेयर करेंगे तो वो बताएंगे आप। आज हमारे अंदर बहुत बड़ी समस्या है भाई, उसको जो हमारा समस्या उलझा हुआ है उसको ठीक करने की जरूरत है, बस इसके लिए ही आप लोगों को बुलाया गया, और कुछ ऐसा नहीं। जो हम लोग कहते हैं कि आप पॉजिटिविटी से जुड़िए और निगेटिविटी को बाहर करिए। आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम इतने ज़्यादा परेशान हैं, हम बार बार ये बात कहते हैं कि आपको कोई फ़ोन पे कोई गलत बात आपको बोल देता है तो आप दिन भर परेशान रहते हैं, कोई आपको गाली दे दिया अगर मान लेते हैं चलते फिरते अगर आपको कोई गाली दे दिया तो अब क्या करें, एकदम परेशान हो जाते हैं, मरने मारने को उतारू हो जाते हैं, वहाँ तक तो पता समझ आता है। और यहाँ भी बात आता है कोई अजनबी व्यक्ति आए और आपको बोल दे कि नमस्कार भाई साहब, आप दिन भर सोच रहे हैं कौन व्यक्ति था जो हमको नमस्कार करके चल रहे, कौन था, अपने दिमाग में जो है हमेशा जो है वो थॉट्स घूमता रहा। तो हमको अपने थॉट्स में बहुत क्लियर होना पड़ेगा और वो निगेटिविटी से बचना पड़ेगा। अगर हमको आप चाहते हैं, हम आशा करते हैं कि आप लोग इतना तो समझ गए होंगे कि निगेटिविटी का बहुत गलत प्रभाव होगा। अगर अपने जीवन में कुछ भी निगेटिव हम इन किए तो उसका आउटपुट वहीं आने वाला है। हम देखते हैं ना कि चार दोस्त हम बैठ गए तो पांचवा का बुराई करने लगते हैं, करते हैं, ये नेचुरल सा हमारा स्वभाव हो गया है कि हम बैठते हैं तीसरे का बुराई करते हैं, कुछ ना कुछ निगेटिव डिस्कशन हम करते रहते हैं। तो इससे बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जब तक आप पॉजिटिविटी को अपने अंदर नहीं डालिएगा तब तक उसका समाधान नहीं होने वाला है। इसको कैसे करेंगे, आप एक चीज
आपने आप अगर पढ़े होंगे महापुरुष का जीवनी तो आप एक बात देखेंगे कि उनके जीवन में एक बहुत बड़ा चीज रहा है कि वो अच्छे साहित्य का उनका संगत रहा है, अच्छे साहित्य से वो हमेशा जुड़े रहे। मतलब आप लोगों से एक हमारा ये आग्रह है कि आज से अगर आपके जीवन में वो आदत नहीं है तो आप अपनाइए। अगर आप चाहते हैं कुछ बड़ा करना, अगर आप चाहते हैं कुछ अलग करना, तो आप अच्छे साहित्य से जुड़िए। ये बहुत बड़ा राममान है भाइयों, अपने जीवन के लिए बहुत बड़ा राममान है। अच्छे विचारों से जुड़िए, अच्छे विचार एक ऐसा बीज के रूप में आपके जीवन में काम करेगा कि आप देखेंगे कि उसका रिजल्ट आपको कुछ ना कुछ दिन के बाद आपको दिखाई देने लगेगा। आप जितने भी बड़े बड़े लोगों का स्पीच सुनेंगे, चाहे उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे, तो एक चीज बहुत कॉमन रहा है उनके जीवन में कि वो अच्छे साहित्य से हमेशा जुड़े रहे, हमेशा। आप किसी के बारे में, आप अब्दुल कलाम का जीवन पढ़ लीजिए, आप अगर नहीं पढ़े होंगे विंग्स ऑफ फायर तो आप जरूर पढ़िए, मतलब मैंडेटरी है। इग्नाइटेड माइंड्स नहीं पढ़े होंगे तो पढ़िए, उसमें उन्होंने लिखा है कि वो 4 घंटा नियमित स्वाध्याय करते थे। स्वाध्याय 4 घंटे, हम तो उतना कहते भी नहीं है कि आप उतना करिए, अभी के टाइम में आप आधे घंटे कर लीजिए तो बहुत है। आज वहां उस क्लाइमेक्स पे कलाम जी पहुंचे हुए हैं। इंजीनियर तो बहुत सारा है कि नहीं, वैज्ञानिक तो बहुत सारा है, लेकिन ऐसा क्या चीज था जो उसको डिफरेंशिएट कर गया? ऐसा क्या चीज था जो आज अब्दुल कलाम को ना मुस्लिम बोलता है लोग, ना हिंदू बोलता है लोग, उसको एक महान व्यक्ति बोलता है, लोग गर्व करके कहता है कि हमारे देश का वो जो है एसेट्स है, वो जो दे करके हम लोगों को चले गए, वो क्या ऐसा चीज था जो डिफरेंशिएट कर गया? वो सबसे बड़ा चीज था भाइयों कि उन्होंने अपने जीवन में एक हैबिट डेवलप कर लिया, और वो हैबिट डेवलप किया स्वाध्याय करने। पढ़ाई करना और स्वाध्याय करना दो अलग अलग चीज। पढ़ाई करना है जो आप अपना बुक पढ़ रहे हैं वो है, और स्वाध्याय करने का मतलब है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको अपने जीवन में आप उतार रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं उसको जीवन में आप उतार रहे हैं। हम ये बार बार कहते हैं कि आपको ऐसा सौभाग्य है कि आप डेली जो है एक महापुरुष के साथ आप अपना जीवन बिता सकते हैं। तो आज सारा तंत्र इस चीज में लगा हुआ है, किसी तरह से युवाओं को भटका दिया। आप और हम इतने सौभाग्यशाली हैं भाइयों, मैंने तो बहुत सारे संगठन का अध्ययन किया है, देखा है, जाकर के अनुभव किया है, तब जाके मैंने पाया है कि ये एक ऐसा संगठन है, ऐसा गजब का चीज है, जो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि बेटा जो है गायत्री परिवार से हो या दिया से, किसको हम जुड़े हुए मानते हैं, तो वो कहते हैं कि जो व्यक्ति का विचार बदल जाए, जो व्यक्ति अच्छा हो जाए, जो अच्छे पथ पे चल जाए, जो एक अच्छा इंसान बन जाए, जो एक अच्छा मनुष्य बन जाए, वही हमारे से जुड़ा हुआ। मतलब नहीं है, हमको उद्देश्य हमारा नहीं है ये कि खूब बहुत बड़ा फौज हम खड़ा करें, जरूरत नहीं है। जरूरत है उस व्यक्ति की, जरूरत है कि जो अपने जीवन से एग्जेम्पलरी बन सके, उदाहरण प्रस्तुत कर सके। आज ऐसे युवाओं की जरूरत है भाई।